जाना नजदीक जाओ बस जाओ चौस हमारे पास एक सुन लीजिए यवतमाल के दारवा शहर के अंदर 6 जुलाई को एक बेगुनाह मुसलमान को जिस पे साधारणतः एनसीबी है मजदूर था उसको कस्टोडियल में लेकर पुलिस ने मार दिया है जान से मारा गया न सर सर सुन लीजिए वहाँ पर वहाँ के एसपी भुजबल साहब का ये कहना है कि मैं यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ रिटायर्ड जज के हमारी मांग ये है कि मुंबई के एक स्क्वाड या तो रिटायर्ड जज के ताल्लुक से एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो बेगुनाह जो है उससे साधारणतः एनसीबी है उसको जान से मारा गया उसको न्याय होना चाहिए हमारी वही डिमांड है वही मैं राइटिंग में मांगनी है और उसके जो परिवार वाले को एक बंदे को अनुकंपा होना चाहिए एक तो गरीब है दूसरा इश्यूज ये है कि नांदेड़ शहर के अंदर चार ईदगाह में नए शहर के अंदर इंक्रोचर बैठे हुए घर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है माननीय जिलाधिकारी साहब को भी बताया गया है और वक्त के अधिकारी ने एक महीने से पार्ट पुरवठा नहीं हुआ तो उसमें हमारी मांग नहीं होगी और उस पर इलीगल जो है सो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर प्लॉटिंग भी कर रहे सर। तीसरा कि मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से महाराष्ट्र भर में आप तमाम जानते हैं तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट एजुकेशन के लिए 5% जो है सो उसमें एजुकेशन का इम्प्लीमेंट करना चाहिए राज्य सरकार सर कानून से हो सकता है ना सर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए वाला है डायरेक्शन दिए वाला है हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए वाला है कि एजुकेशन के लिए सर वकीलों से लेके बैठो आफ्टर 102 अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों के अधिकारी कितना हो गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है वो पास होने में अभी नहीं होगा जब तक कि अमेंडमेंट नहीं होता नहीं ठीक है सर हम समझ रहे हैं सर सर हमने जब बात करना बिल्कुल कानून में पहले समझ नहीं नहीं है ना सर उसमें हमारे पास मैंने आपको दिया डिटेल्स उसमें मेंशन भी किया और नौ में वो दावा के ताल्लुक से आप कीजिए प्लीज सर एक दोन भी सर एक आइए तुम्हें स्वतः करता है नहीं सर विषय तुम्ही स्वतः विषय क्रिएट करता है आणि त्यावर बोला नाना पटोले ने आज 2014 आणि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री माइनॉरिटी मिनिस्टर और वक्फ मिनिस्टर अली जनाब नवाब मलिक साहब नांदेड़ शहर आए थे आज कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से एक डेलीगेशन हमने दिया हमारी तीन मांगे थी सबसे पहले अहम मांग ये है कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के दारवा तालुके के अंदर जो एक 32 साल का एक नौजवान शेख इरफान जिसको पुलिस ने लिंचिंग करके वो बेगुनाह नौजवान को कस्टोडियल में मार जान से मार दिया है उसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसके घर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और अनुकंपा में उसके घर के किसी न किसी अफराद को महाराष्ट्र की हुकूमत में नौकरी मिलना चाहिए एक ऐसा हमने नवाब मलिक साहब से डिमांड की। उसमें दूसरा अहम मसला ये है कि नांदेड़ शहर के अंदर शहर के सदर अली जनाब साबिर चौधरी साहब पिछले 1-2 साल से हर वक्त जो वक्त की जो ज़मीनों के ऊपर ईदगाहों के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इंक्रोचर बैठ रहे हैं जिसकी वजह से शहर नांदेड़ की हालत बिगड़ सकते हैं उसके ताल्लुक से वक्त मिनिस्टर नवाब मलिक साहब के भी ये जहन में ला कर दिया गया है कि वहाँ पर जो इलीगल जो इंक्रोचर है जो गैर ज़रूरी तरीके से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताबड़तोब उनके कंस्ट्रक्शन निकाल के वो वक्फ बोर्ड ने नहीं अभी आपने क्या मांग करे कि इन लोगों से तीन ही मांग बता रहा हूँ कि हमारी पहली मांग है कि शेख इरफान जो बेगुनाह बच्चा जिसको पुलिस ने लिंचिंग में मार दिया है वो पुलिस वालों को खाली उनकी बदली की गई उनको ताबड़तोब सस्पेंड करके उन पर 302 का मुकदमा दाखिल होना चाहिए ये सबसे पहले हमारी उनकी डिमांड थी और जो जिस तरह से उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो भी हमारी मांग को उन्होंने माना है। और दूसरा अहम मसला है कि जो नांदेड़ शहर के अंदर वक्फ ज़मीनों के ऊपर कुछ पॉलिटिकल कॉर्पोरेट लीडर्स जो कब्जे कर रहे हैं वो उनके कब्जों में से वो ज़मीन को निकाल कर वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लेना चाहिए ये एक हमारी दूसरी डिमांड हो।
चौथी तीसरी डिमांड ये है। वो कौन सी पार्टी के कॉर्पोरेटर? कांग्रेस के तमाम कॉर्पोरेटर्स बहुत से हैं जिन्होंने, हमने उनके नाम बताया मिनिस्टर साहब को कि यहाँ पर आके आपका सत्कार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं शहर। यानी कांग्रेस की प्रतिनिधि का फायदा उठा के, कांग्रेस के नगर सेवक के पद का फायदा, गैर जरूरी फायदा उठाया जा रहा है और वहाँ पर जमीनों पे उन्होंने कब्जे कर रहे हैं, वो भी वक्फ के, और वहाँ पर प्लॉटिंग भी निकाल रहे हैं। ये उनके बाद जहन में ला कर दी गई है दूसरी मांग की। तीसरी मांग ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मुस्लिम एजुकेशन के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसका जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उसको अमल बजावनी करना चाहिए ताकि वो रिजर्वेशन मुसलमानों के इस्तेमाल में आ सके। ऑल इंडिया मजलिस की जानिब से आज हमने जनाब नवाब साहब को एक निवेदन दिया, निवेदन फिरोज लाला खान साहब के साथ मिलकर, कि जिस तरह इतना की जगहों पर प्लॉटिंग हो रही है और निजी कांग्रेस के जो लोग हैं वो प्लॉटिंग बेच रहे हैं, और दूसरा आज जो उर्दू घर की जो आज ओपनिंग हुई है उसके अंदर जो नौजवान मुसलमान हैं जिन्होंने ये आवाज़ उठाकर ये उर्दू घर की ओपनिंग कराने लगाई है उनको, और कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको वहाँ पर नहीं बुलाया गया है, जैसे कि वहाँ पर ओपनिंग होना था उर्दू घर को हमारे उलमा इकराम से, वो नहीं करते हुए एक ऐसे लोगों से ओपनिंग कराई है कि जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और वहाँ पर संवैधानिक तकलीफ तो ये होती है कि जब कांग्रेस पार्टी अपने को सेकुलर बोलती है और उर्दू घर की ओपनिंग खुद कोई उलमा से नहीं कराते हुए घर लोगों से कराती है, इसमें ये कांग्रेस की असली हकीकत समझती है कि इसके अंदर क्या है। नहीं, इसको बन के 5 साल कंप्लीट हो गए, मगर इतना 5 साल देर क्यों लगी? देखो 5 साल लगी, मगर मेरा तो ये बोलना है कि कोई एहसान नहीं करे इन्होंने मुसलमानों पे, हमने उर्दू घर बनाए, हमने उर्दू घर बनाए, इन्होंने 70 साल मुसलमानों ने इनको उड़ दिए पिछले 70 साल से, आज एक उर्दू घर बना के हम उर्दू घर बना दिए और इसका श्रेय हम बनाए, ये बिल्कुल गलत है। पूरे महाराष्ट्र में या ऐसे उर्दू घर बनना चाहिए, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे उर्दू घर बनना चाहिए। खाली एक नांदेड़ में बना के कोई तीर नहीं मारे कांग्रेस ने, पिछले कई सालों से मुसलमान इनके वोट ले, मुसलमान वोट दे रहे हैं इनको। सर ऐसा क्यों नहीं लगता आपको कि नांदेड़ की इतनी ख़राब स्थिति हो गई रोडों की, कई हादसा अपघात हो रहे, उसके बावजूद भी आपकी तरफ से क्यों ऐसा धरना क्यों नहीं गया? अशोक राव का क्यों घेराव नहीं करे अभी तक? ऐसा क्यों, क्या डर है क्या? नहीं, हम देखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो किसी से डरती नहीं, खुलेआम बोलती और हकीकत बोलती, और हमने आज से 3 दिन पहले नांदेड़ के रोडों के बारे में पूरा जायज़ा लिया और उसका पूरा ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, कहाँ पानी घुस रहा है हम जाके मिल रहे, और इंशाल्लाह आगे भी जो हालात है और इससे वक्त से बख्तर होने वाले हैं। मैंने कुछ नगर सेवकों को ये चुनौती भी दी है कि आप अपने वार्डों में जाकर चेक करिए, देखिए, और इंशाल्लाह अगर और ऐसा ही हालत रहेंगी, अगर प्रशासन ने इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं की और रोड अगर नहीं बने, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल धरना करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे और हम इसका विरोध करेंगे, चाहे वो कौन सी भी पार्टी का क्यों नहीं होता, सत्ताधार पार्टी का क्यों नहीं होता है।